अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है रेडमी ए थ्री। रेडमी का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले इस फ़ोन की प्राइस आपको बताता चलूँ। इस फ़ोन की जो रिटेल प्राइस है वो 26,000 रखी गई है, 4GB 128GB वाले वेरियंट की, और आफ्टर डिस्काउंट आपको 24,500 या फिर 25 तक मिल जाएगा पाकिस्तान की मार्केट से। बॉक्स की बात की जाए तो फ्रंट पर रेड और वाइट कलर का बॉक्स है। रेडमी ए थ्री की ब्रांडिंग है, मी की ब्रांडिंग है, और राइट साइड पर पीटीए स्टिकर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा 5000 mAh बैटरी दी गई है, फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक देखने को मिल जाता है इस फोन में। रेडमी ए थ्री की ब्रांडिंग है, टॉप पर कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड पर रेडमी ए थ्री की ब्रांडिंग है और AI ड्यूअल कैमरा देखने को मिल जाता है। और बॉटम की बात की जाए तो IMEI नंबर दिए गए हैं। रेडमी ए थ्री स्टार ब्लू कलर में है मेरे पास, 4GB 128GB वाला वेरिएंट है। तो जल्दी से करते हैं इस फोन को अनबॉक्स। तो सबसे पहले डिवाइस दी गई है, इसको साइड पर रख देते हैं और बाकी बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है जिसमें क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाती है। इसके अलावा वारंटी कार्ड और एक डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड दिया गया है, और यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है, और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है। टाइप सी की चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर अडाप्टर की बात की जाए तो यहाँ पर 10W का अडाप्टर दिया गया है। आ जाते हैं हम अपने डिवाइस की तरफ। ब्लू कलर है मेरे पास रेडमी ए थ्री। तो ये है रेडमी ए थ्री की फर्स्ट लुक। ग्लास बैक देखने को मिलती है, प्लास्टिक फ्रेम है, और फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिल जाता है। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। इस फोन के फ्रंट पर 6.71 इंचेस का IPS पैनल दिया गया है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और फ्रंट पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। 720 पिक्सल डिस्प्ले देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर दिया गया है 5 MP सेंसर, और राइट साइड पर पावर बटन के ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ में वॉल्यूम लॉकर कीज दिए गए हैं। टॉप पर एक सेकेंडरी स्पीकर देखने को मिल जाता है, 3.5 mm ऑडियो जैक। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे दी गई है, सिम ट्रे में आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इस फोन में 2 SIM कार्ड और 1 memory card यूज कर सकते हैं। और बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पर एक माइक दिया गया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है। और बैक साइड पर आ जाते हैं तो सबसे पहले आप कैमरा बम्प नोट करें। यहाँ पर काफ़ी बड़ा कैमरा दिया गया है जो कि 8 MP का मेन सेंसर है, साथ 0.08 MP ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिल जाता है। एक LED फ्लैश दी गई है, और इस फोन को देखकर मुझे इन्फिनिक्स का नोट 7 याद आ रहा है, उसका कैमरा भी इसी तरह काफ़ी बड़ा था। और रेडमी की ब्रांडिंग है, ग्लास बैक देखने को मिल जाता है, और इस पर स्क्रैचेस भी ईजिली लगेंगे क्योंकि ये ग्लॉसी फिनिश में आता है। फ़ोन ऑन हो चुका है, फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिंगरप्रिंट को भी मैं सेटअप कर लेता हूं ताकि इसकी स्पीड में आपको चेक करवा सकूं। काफी टाइम ले रहा है ये एनरोल होने में। फिंगरप्रिंट भी सेटअप हो चुका है। तो ये है रेडमी ए थ्री की फर्स्ट लुक। एंड्रॉयड 14 गो एडिशन के साथ आता है। इसमें MIUI देखने को मिल जाता है रेडमी की तरफ से।
तो सबसे पहले कंट्रोल सेंटर में आ जाते हैं और ये है इस फ़ोन की फुल ब्राइटनेस। फ़ोन इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है, बस नॉर्मल है ब्राइटनेस, और इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। अब इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं, तो फिंगरप्रिंट तो ओपन ही नहीं हो रहा, थोड़ा सा टाइम लेता है। दोबारा चेक कर लेते हैं, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में, लेकिन ये नॉर्मल है इस प्राइस रेंज में। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, साइड माउंटेड है फिंगरप्रिंट सेंसर। और अब आ जाते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको बता देता हूँ इस फ़ोन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस नेम रेडमी A3 और एंड्रॉयड 14 देखने को मिलता है, जो कि गो वर्जन दिया गया है इस फ़ोन में। और इसके अलावा 4GB रैम दी गई है, 128GB स्टोरेज है। प्रोसेसर की बात की जाए तो इस फ़ोन में मीडियाटेक हेलियो G36 प्रोसेसर दिया गया है, और साथ अगर GPU की बात की जाए तो पावर VR GE8320 का GPU देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, उस बैटरी को चार्ज करने के लिए 10W का अडाप्टर बॉक्स में देखने को मिल जाता है। और ये फ़ोन 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन का जो विजुअल एक्सपीरियंस है वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। मैंने 90Hz को ऑन किया है। और इसके अलावा इस फ़ोन की कुछ सेटिंग्स को देखा जाए तो यहाँ पर ऐप्स में आ जाते हैं, और डेवलप को ऑप्शन नहीं दिया गया। इसके अलावा नोटिफिकेशन में ऐप नोटिफिकेशन हिस्ट्री को आप ऑन कर सकते हैं। बैटरी में आ जाते हैं, बैटरी में बैटरी सेवर बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं। और इसके अलावा साउंड एंड वाइब्रेशन में, साउंड भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो सॉरी, यहाँ पर एक ही स्पीकर दिया गया है जो कि टॉप पर दिया गया है, बॉटम पर स्पीकर नहीं दिया गया, सिर्फ एक ही स्पीकर देखने को मिल जाता है जो कि टॉप पर दिया गया है। और वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले में आ जाते हैं, डिस्प्ले में लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन को हाइड कर सकते हैं। डार्क थीम दिया गया है इस फोन में। और इसके अलावा डिस्प्ले साइज बड़ा और छोटा कर सकते हैं डिस्प्ले एंड साइज को। नाइट लाइट दी गई है जिसको आई केयर भी कहते हैं। ऑटो रोटेट स्क्रीन देखने को मिल जाती है, आउटडोर मोड देखने को मिल जाता है, और लिफ्ट टू वेक का फीचर भी दिया गया है। थीम्स में आ जाते हैं, और यहाँ पर होम स्क्रीन में थीम्ड आइकॉन्स का ऑप्शन दिया गया है। लॉक स्क्रीन मोर लॉक स्क्रीन ऑप्शंस में ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा वॉलपेपर इस फोन में एक ही दिया गया है, इसके अलावा कोई भी वॉलपेपर नहीं दिया गया है इस फोन में। और एक्सेसिबिलिटी में आ जाते हैं, डिस्प्ले साइज टेक्स्ट साइज कलर करेक्शन एंड मोशन, एक्स्ट्रा डिम मैग्नीफायर का ऑप्शन दिया गया है, और ड्यूरा स्पीड एक न्यू फीचर ऐड कर दिया गया है इसमें। ये जो एप्स हैं उनको बूस्ट करेगा फोरग्राउंड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन एप्लीकेशंस को आप ऑन कर सकते हैं जो कि ड्यूरा स्पीड के अंडर काम करेंगे। और सिस्टम में सिस्टम जेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं, मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर भी दिया गया है। फ़ोन की स्पीड थोड़ी बहुत स्लो है, मेमोरी एक्सटेंशन के फीचर में आप 4GB तक रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि स्टोरेज से लेगी रैम को, फिजिकल रैम नहीं होगी, वर्चुअल रैम होगी। और वॉलपेपर कैरोसोल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं जिनमें फेसबुक लाइट लिंक्डइन स्पॉटिफाई टिकटॉक देखने को मिल जाती है, यूट्यूब प्री इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पर रेडमी की कुछ टूल्स हैं, और इसके अलावा गूगल की एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं, और यहाँ पर क्लीनर भी देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं इस फ़ोन के कैमरा की तरफ, और सबसे पहले बैक कैमरा रियर पर दिया गया है, 8 MP का बैक कैमरा। तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ, तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने, अच्छी पिक्चर निकल कर आई है। और मैक्सिमम जूम की बात की जाए तो इस फ़ोन में 10x तक मैक्सिमम जूम दिया गया है। वीडियो में आ जाते हैं, 1080p 30fps और 60fps का ऑप्शन नहीं दिया गया, 720 30fps 1080 30fps का ऑप्शन दिया गया है।
यहाँ पर फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है, फ्लैश लाइट आप देख सकते हैं नॉर्मल सी फ्लैश लाइट है। और इसके अलावा रेजोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं 1080x720 ग्रिड लाइंस, एस्पेक्ट रेशो ये आप सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा फ़ोटो में आ जाते हैं, फ़ोटो में ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिनमें फ्लैश लाइट, एस्पेक्ट रेशो, HDR, ग्रिड लाइंस, टाइमर, वीडियो शटर, टिल्ट शिफ्ट, टाइम बर्स्ट और वाटर मार्क का ऑप्शन दिया गया है। पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है, टाइम लैप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कोई भी फीचर नहीं मिलता रियर कैमरा में। फ्रंट कैमरा की तरफ आ जाते हैं, तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फोन के फ्रंट कैमरा ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी पिक्चर निकल कर आई है, नॉर्मल है, इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं है लेकिन नॉर्मल इसको कह सकते हैं। इसके डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर 1.5 MB की पिक्चर निकल कर आई है। फ्रंट कैमरा पर वीडियो की बात की जाए तो 720x30 और 1080x30 FPS का ऑप्शन दिया गया है। फोटो मोड देखने को मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, टाइम लैप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्रंट पर फ्लैश लाइट नहीं दी गई, सॉरी देखने को मिल जाती है जो कि इन डिस्प्ले फ्लैश लाइट दी गई है। और यहाँ पर एक और फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑटो का ऑप्शन दिया गया है, इसके अलावा कोई भी फ्लैश लाइट नहीं दी गई। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। और टाइमर का ऑप्शन दिया गया है, इसके अलावा वॉइस शटर, पाम शटर, टाइम बस्ट और स्टैम्प्स आप फोटो पर लगा सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। और इसके अलावा फ़ोन की स्पीड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये थे Redmi 8 3 की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।